सलमान खान की बहन अर्पिता खान अक्सर बॉलीवुड पार्टीज और इवेंट्स में नजर आती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने घर पर ईद पार्टी रखी थी जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे। अर्पिता अक्सर सोशल मीडिया पर भी ट्रोल होती हैं। यूजर्स कभी अर्पिता के वजन तो कभी उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए उन्हें ट्रोल करते हैं। ऐसे में अब एक्टर और उनके हस्बैंड आयुष शर्मा ने इन यूजर्स को तगड़ा जवाब दिया है। आयुष ने कहा, मेरी पत्नी को ज्यादा वजन होने के कारण लगातार ट्रोल किया जाता है। लोगों को लगता है कि वो अगर एक सेलिब्रिटी है तो उसे इतना मोटा नहीं होना चाहिए। उसका रंग सांवला क्यों है? उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ही कपड़े पहनने चाहिए। हर बार जब उसकी फोटो आती है तो लोग उसे तुरंत उसकी डार्क स्किन की याद दिलाते हैं। एक्टर ने आगे कहा कि मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है क्योंकि वो अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल है और उन्होंने लोगों की ट्रोलिंग को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। वो जिंदगी को वैसे ही जीती है जैसे वो चाहती है। आयुष शर्मा ने आगे कहा कि वो अक्सर अकेले में मुझसे कहती हैं कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैंने सेलिब्रिटी बनने के लिए कुछ नहीं किया है, मैं कभी भी कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, इसीलिए मैं जो हूँ वही हूँ, मैं जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। बता दें, अर्पिता और आयुष ने 2014 में शादी की थी। कुछ दिनों पहले अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में दो यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। बच्चन परिवार की तरफ से कहा गया कि आराध्या की हेल्थ को लेकर कुछ फर्जी जानकारी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर लगातार दिखाई जाती है जो कि बेहद आपत्तिजनक है। इस पर कोर्ट सुनवाई कर चुकी है लेकिन अब इस पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना रिएक्शन दिया है। एक रीसेंट इवेंट के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन से इनडायरेक्टली इस बारे में सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया कि झूठी खबरें प्रसारित की जा रही हैं, ये लोगों को भावनात्मक रूप से आहत करती हैं, आपको लगता है कि इस पर रोक लगानी चाहिए? इस सवाल के जवाब में ऐश्वर्या राय ने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि मीडिया का एक मेंबर पहचान रहा है कि ऐसी खबरें भी होती हैं जो झूठी हैं। ये हमें एक उम्मीद देती हैं कि आप ऐसी खबरों को प्रसारित नहीं करने जा रहे हैं। झूठी खबरों के नकारात्मक प्रभाव को आपने बुद्धिमानी से पहचाना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी खबरें संवेदनशील और अनावश्यक है, आपके सपोर्ट, आपके ज्ञान और इस तरह की खबरों को पहचानने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको बता दें कि आराध्या बच्चन की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी शख्स खास तौर पर बच्चों की छवि को सोशल मीडिया पर नुकसान पहुंचाना एक गंभीर मामला है। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी पर्सनालिटी क्रिजान बरेतो की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद फैंस खुशी से झूम उठेंगे। एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया हैंडल पर यह अनाउंस किया है कि वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नाथन करमचंदानी से सगाई कर चुकी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने घुटनों के बल बैठकर एक्ट्रेस को प्रपोज किया। कपल की एंगेजमेंट फोटोज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और फैंस द्वारा काफी पसंद भी की जा रही हैं। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खास मौके की बहुत सारी तस्वीरें शेयर करते हुए क्रिजान ने लिखा, 22 अप्रैल, मैं अपना बाकी जीवन आपके साथ बिताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, आई लव यू। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि क्रिजान ने सगाई के मौके पर थाई हाई स्लिट ब्लू गाउन पहना और इसके साथ हाई हील पैर की। वहीं इस लुक को उन्होंने नेकलेस और खुले बालों से कंप्लीट किया। वहीं उनके मंगेतर इस दौरान व्हाइट टी शर्ट के साथ नेवी ब्लू कलर के सूट में नजर आए। नाथन ने घुटनों के बल बैठकर अपने सपनों की राजकुमारी को प्रपोज किया और हाथों में रिंग भी पहनाई। इस दौरान एक्ट्रेस सरप्राइज रह गई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया। कपल की इन तस्वीरों को फैंस खूब लाइक कर रहे हैं और सगाई की बधाइयां भी भर भर कर दे रहे हैं। काम की बात करें तो क्रिजान को आपने टीवी सीरियल कैसी है यारिया में देखा है जहां से वो काफी पॉपुलर हो गई थी। अजीबोगरीब स्टाइल के चलते चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद आज दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। हालांकि एक्ट्रेस को अपने इस फैशन के चलते कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, उन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। वहीं अब एक बार फिर एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र उन्होंने इंस्टाग्राम पर किया है। उर्फी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मुंबई वालों, क्या ये वाकई 21st सेंचुरी है?
मुझे आज एक रेस्टोरेंट में घुसने से मना कर दिया। अगर आप मेरी फैशन चॉइसेस को पसंद नहीं करते तो ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ अलग बर्ताव तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिर भी करते हैं तो खुलकर मानिए, फालतू के बहाने मत बनाइए। एक्ट्रेस ने इस रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन लिया है। वहीं आपको बता दें कि उर्फी अब धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करती नजर आ रही हैं। कई लोग उर्फी की तारीफ करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग उनको भर भर कर ट्रोल भी करते हैं, लेकिन उर्फी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगे हैं अपने सपने पूरे करने में। एक्ट्रेस अपने इसी फैशन सेंस के चलते बॉलीवुड के दो मशहूर डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला के साथ भी काम कर चुकी हैं। उर्फी ने इस डिजाइनर की फैशन वीडियो मेरा नूर है मशहूर में काम किया था, जिसके बाद से वो और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं।